नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। यूपी में आतंकी प्लान को यूपी एटीएस और यूपी पुलिस ने मिलकर फेल कर दिया है। आज सुबह की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह आई कि लखनऊ के काकोरी इलाके में पुलिसिया हलचल देखने को मिली है, जिसके बाद वहां एटीएस और पुलिस फोर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। पूरे दिन लगातार ऑपरेशन चलता रहा है और फिर आखिर में 5 बजे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। क्या कुछ मामला है आप इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ का काकोरी इलाका 4.5 साल बाद आतंकी ठिकानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। साल 2017 के फरवरी महीने में काकोरी की हाजी कॉलोनी में एटीएस ने एक लंबे ऑपरेशन के बाद सैफुल्ला नाम के आईएसआईएस आतंकी को मार गिराया था और आज 11 जुलाई 2021 में एक बार फिर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। एटीएस ने रविवार सुबह 10 बजे लखनऊ में दुबग्गा रिंग रोड पर सीते बिहार इलाके में आतंकी शाहिद के गैराज, रियाज और सियाज के घर पर छापा मारा। यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद एटीएस ने मलिहाबाद में शाहिद के मूल आवास पर भी छापा मारा। 2 आतंकवादी मिनाज अहमद और मसरुद्दीन अहमद को गिरफ्तार किया गया है। मिनाज अहमद के घर से विस्फोटक बरामद किए गए। आतंकवादियों की यूपी के कई शहरों में धमाका करने की साजिश थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आतंकवादियों के तार अलकायदा के गजवातुल हिंद से जुड़े हुए हैं और ये लोग लगातार पाकिस्तान से सीधे संपर्क में थे। यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए आतंकी पाकिस्तान के पेशावर से हैंडल किए जा रहे थे। इनका 15 अगस्त से पहले बम धमाके करने का प्लान था। कई शहरों में ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने बताया कि धमाके की योजना बनाने में सिराज अहमद का बेटा मिनहाज अहमद निवासी रिंग रोड और अमीनुद्दीन का बेटा मसीरुद्दीन मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस आतंकवादी गिरोह में लखनऊ, कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटना की जा सकती थी। जानकारी मिलने के बाद गंभीरता को देखते हुए आतंकवादियों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सर्च ऑपरेशन में विस्फोटक पदार्थ व एक पिस्टल बरामद हुई है, जिसके बारे में और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बरामद आईईडी को बम डिस्पोजल की टीम की मदद से निष्क्रिय कराया जा रहा है। दूसरी टीम ने अमीनुद्दीन के घर पर दबिश दी तो आरोपी के घर से भी भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। यूपी एटीएस दोनों से पूछताछ कर रही है। वहीं अन्य टीमों द्वारा इन संदिग्ध आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों की तलाश हेतु विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट इलाके के साथ साथ हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव एवं रायबरेली के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने जिस घर में छापा मारा था उसमें 7 लोग रह रहे थे, जिसके बाद 5 लोगों के वहां से भागने की जानकारी है। इसी वजह से एटीएस ने आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। अब सोचिए, वक्त रहते इन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये इतना विस्फोटक यहां तक लाए कैसे? बड़ा सवाल है। और क्या एटीएस या यूपी पुलिस सिर्फ बधाई की पात्र है? तो जवाब है नहीं। क्योंकि सोचिए, पुलिस की कितनी बड़ी नाकामी है कि प्रदेश की राजधानी में पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश चल रही थी, फल फूल रही थी, और पुलिस को अब जाकर पता लगा जब मामला इतना करीबी था। क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का तो सीधे सीधे कहना है कि 15 अगस्त से पहले धमाके की साजिश थी और कुकर बॉम्ब भी जिंदा मिला है, मतलब बस आपको प्लांट करने की देरी थी। तो सोचिए, जरा सा बचे हैं हम। और ऐसे मामलों में आम जनता को भी समक लेना चाहिए कि जो भी शख्स आपके अड़ोस पड़ोस, दफ्तर, दुकान, बाजार, मार्केट, मोहल्ले, मतलब कहीं भी आपको संदिग्ध लगता है, उसके एक्शंस या एक्टिविटीज तो पुलिस को जरूर बताएं। और हाँ, खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि यूपी के कई जिलों में अलर्ट अभी भी जारी है और शायद रात के बाद तक कहीं भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ की और भी खबरें सामने आ सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।